मैं एम एस सिद्दीकी सर आपका ट्यूटोरियल लेडर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के कुछ क्वेश्चंस को हल करने के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ अदर क्वेश्चंस को हल करने के बारे में बताऊंगा। आज मैंने दो क्वेश्चंस आपको लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, 1 + 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 + up to 1 / 1 + 2 + 3 + up to n इज इक्वल टू 2n / n + 1। और सेकेंड क्वेश्चन है, 10 to the power 2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करने से पहले हम आपको कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में बताते हैं। स्पेशल सीरीज में हमने बात किया आपको कि 1 + 2 + 3 + --up to n = σn और σn = n (n+1/2). इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है T1 जो है वो 1 है, सेकंड टर्म T2 है 1 / 1 + 2, थर्ड टर्म T3 1 / 1 + 2 + 3 और Tn है आपके पास 1 / 1 + 2 + 3 + up to n। Tn इज इक्वल टू है 1 / 1 + 2 + 3 + up to n। तो 1 / 1 + 2 + 3 + up to n पिछले क्लास में मैंने प्रूफ करने में बताया था आपको कि n (n+1/2) होगा, इसका सम वो होगा n (n+1/2). तो n (n+1/2) तो 2 / n (n+1). तो Tn यहां पर जो है वो है आपके पास 2 / n (n+1). ये Tn सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम एक अदर मेथड का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। को सॉल्व करने के लिए इस जो मेथड को सॉल्व करना है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, यहां पर आपके पास क्वेश्चन में है 2 / n (n+1) इक्वल सपोज करते हैं a / n + b / n+1 इक्वेशन 1। तो 2 / n (n+1) एलसीएम ऑफ n एंड n+1 a (n+b)(n+1) कैंसिल ऑफ n एंड n (n+1) an + b (n+1) = 2 इक्वेशन 3। कोएफिशिएंट ऑफ a n = 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 0 इन इक्वेशन 3, तो b = 0 + 1 = 2, तो b = 2। कोएफिशिएंट ऑफ b n + 1 = 0, n = -1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = -1 इन इक्वेशन 3, तो b - 1 = 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = -1 इन इक्वेशन 3, तो a - 1 = 2, a - -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, 2 / n (n+1) = -2/n + 2/n+1। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम
इस tn को कन्वर्ट कर रहे हैं 2 बाई n प्लस 1 माइनस 2 बाई n. tn इज इक्वल टू 2 बाई n प्लस 1 माइनस 2 बाई n. अब इसे हम सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही बताया था आपको, ये जो टर्म्स है फर्स्ट टर्म्स को डिफाइन करता है, तो हम यहां पर पहले n की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे. तो t1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस 1 2 बाई 2 माइनस 2 बाई 1 मीन्स 2 बाई 1 प्लस 1 माइनस 2 बाई n. तो 2 बाई 2 माइनस 2 बाई 1 2 कैंसिल ऑफ 2 कैंसिल ऑफ 2 तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1. तो यहां पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि tn इज इक्वल टू 2 बाई n इंटू एन प्लस 1. तो यहां पर हमने लिया n इंटू n प्लस 2 बाई n प्लस 1 माइनस 2 बाई n. तो यहां माइनस 2 बाई n है, तो हमने सबसे पहले n की वैल्यू 1 लिया. जैसे ही n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहां पर आ रहा है 2 बाई 1 प्लस 1 माइनस 2 बाई 1. तो 2 बाई 2 इक्वल होता है 1 और 2 बाई 1 इज इक्वल टू होगा 2. तो ये हो गया 1 माइनस 2. फिर हमने लिया n इज इक्वल टू 2, तो t2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 बाई 2 2 बाई 2. तो ये हो गया 2 बाई 3 माइनस 1. फिर हमने लिया n इज इक्वल टू 3, तो t3 इक्वल 2 बाई 3 प्लस 1 माइनस 2 बाई 3, तो 2 बाई 4 माइनस 2 बाई 3. फिर हमने ले लिया t4, तो t4 इज इक्वल टू 2 बाई 4 प्लस 1 माइनस 2 बाई 4. तो हो गया 2 बाई 5 माइनस 2 बाई 4. तो जब हम इस सिचुएशन को यहां पर देख रहे हैं, तो हमने पहले t1 लिया, फिर t2 लिया, फिर t3 लिया, t4, और हम कहां तक जाएंगे इसमें, t टू दी पावर n तक. तो t टू दी पावर n है 2 बाई n प्लस 1 माइनस 2 बाई n. लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स. तो यहां पर हम सबसे पहले sn फाइंड करेंगे. तो sn इक्वल होगा t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 tn. तो t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn. तो यहां पर हम देख रहे हैं इस पॉइंट सिस्टम पे कि ये आपके पास यहां पर हम देख रहे हैं ये 2 बाई 2 है, तो यहां 1 माइनस 2 है, यहां 2 बाई 3 माइनस 1 है, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो रहा है. फिर इसी तरह से हम देख रहे हैं यहां प्लस 2 बाई 3 है, यहां माइनस 2 बाई 3 है, तो ये 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 कैंसिल हो रहा है. फिर इसी तरह से हम यहां पर देख रहे हैं प्लस 2 बाई 4 माइनस 2 बाई 4, तो प्लस 2 बाई 4 माइनस 2 बाई 4 कैंसिल हो रहा है. तो हम यहां पर स्टार्टिंग्स में जो देख रहे हैं आपके पास, वो सबसे पहला जो स्टार्टिंग है वो आपके पास सिचुएशन में है 2 बाई 2 माइनस 2 बाई 1. तो ये जो 2 बाई 2 है ये कैंसिल हो रहा है, और ये 2 बाई 1 है ये इसका रिमेनिंग है. तो यहां से रिमेनिंग हो रहा है माइनस 2. और जब हम सिचुएशन पे यहां पर देख रहे हैं, तो लास्ट पॉइंट में आपके पास यहां का रिमेनिंग जो हो रहा है वो हो रहा है माइनस 2. और लास्ट पॉइंट में जो रिमेनिंग हो रहा है, हम ये देखते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये आपके पास प्लस है, फिर ये माइनस है. तो जिस तरह से यहां बच रहा है माइनस 2, और इसका सिचुएशन में यहां का सिस्टम जो 2 बाई एन प्लस 1 है वो भी रिमेनिंग हो रहा है, वो भी बच रहा है. तो ये माइनस 2 प्लस 2 बाई एन प्लस 1. अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है n प्लस 1, और ये हो गया माइनस 2n माइनस 2n, और फिर ये हो गया माइनस 2 प्लस 2. तो कैंसिल ऑफ माइनस 2 और प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 2n बाई n प्लस 1. क्या आया, माइनस n प्लस 1. तो 2n बाई n प्लस 1 ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है. क्योंकि नेगेटिव इसलिए आ गया है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को प्लस को माइनस में ले लिया था, माइनस को प्लस में लिया था.
तो आप इस चीज को देखेंगे, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में ही रहने देंगे, तो आपका ये सॉल्यूशन प्रूव होता है 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus up to n is equal to 2n by n plus 1. इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये आपका tn सीरीज है, उस tn सीरीज में 1 plus 2 plus 3 plus up to n की वैल्यू होती है n into n plus 1 by 2, तो यहां पर हम पुट करते हैं n into n plus 1 by 2, तो ये होता है 2 by n into n plus 1, और इसको हम फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 2 by n plus 1 minus 2 by n. तो ये हमारे पास tn आता है, तो हम पहले ही जान रहे हैं इसको, हम t1, t2, t3, इस तरह से हमने यहाँ पर t1 फाइंड किया, t2 फाइंड किया, t3, t4, अप टू tn तक लाते हैं, तो उसकी वैल्यू ये आती है. और चूंकि हमको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो Sn इक्वल होता है t1 प्लस t2 प्लस अप टू प्लस tn, तो हम इसको इस तरह से ऐड करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आता है 2n अपॉन n प्लस 1. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. प्रूव दैट 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11. पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज ए डिविजिबल बाय 11. अगर हम इसे लेते हैं pn इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सिस्टम में सबसे पहले हम n इक्वल 1 लेते हैं, तो जहां पर हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो p1 10 टू द पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 10 टू द पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 1 10 टू द पावर 1 10 प्लस 1 11 11 डिविजिबल बाय 11 11 डिविजिबल बाय 11, तो n इक्वल 1 इज ट्रू, n इक्वल 1 इज ट्रू हो रहा है. अब जब n इक्वल 1 इज ट्रू, तो सपोज लेट p k इक्वल 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि n इक्वल k इज ट्रू. अब हम n इक्वल जब k इज ट्रू प्रूफ कर रहे हैं, तो हमें इसे नेक्स्ट पॉइंट पे n इक्वल k प्लस 1 इक्वल भी हमें ट्रू प्रूफ करना होगा. इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे कंडीशन को हम किसके इक्वल सपोज कर लेते हैं, pk के इक्वल सपोज कर लेते हैं, और फिर हम इसे प्रूफ करते हैं pk प्लस 1. तो इसके लिए हम यहां पर ध्यान देते हैं कि 10 यहां पर से हमने 2 और इस k को रिप्लेस कर रहे हैं k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 10 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो 10 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 1. अब ये आ रहा है हमारे पास 10 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 1, लेकिन हमें यहां पर यह बताना है कि ये जो सिस्टम्स है ये डिविजिबल बाय 11 है, तो इसके लिए हम पहले इस कंडीशंस को हम इस कंडीशन पे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम ये प्रूफ करते हैं कि डिविजिबल बाय 11. तो 10 टू द पावर 2k प्लस 1 को हम लिखते हैं 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1. हमने इसे लिखा 2 माइनस 1 1, 1 को हमने ब्रेक किया 2 माइनस 1 में, फिर 10 टू द पावर 2k माइनस 1 इनटू 10 टू द पावर 2 प्लस 1, तो 10 टेंस आ 100 इनटू 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1. अब देख रहे हैं हम यहां पर 100 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हमने 100 कॉमन लिया, जैसे 100 कॉमन लिया तो ये आया 10 टू द पावर 2k माइनस 1. आपके सिचुएशन में यहां प्लस 1 है, तो यहां पर हमने लिया प्लस 1, तो 100 वन जा 100, मतलब यहां पर हमने 100 ऐड किया है, तो यहां पर हम 100 माइनस करेंगे, तो ये माइनस 100 प्लस 1, तो 100 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू pk,
और माइनस 100 प्लस 1 माइनस 99। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पी के है ये डिविजिबल बाई 11 है, और हम यहां पर देख रहे हैं कि अदर नंबर्स जो है वो 99 है, 11 नाइन्स आर 99। तो ये प्रूव हो रहा है कि 10 टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 इज द डिविजिबल बाय 11 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय n इक्वल के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू डिविजिबल बाय 11। तो इस सिचुएशंस में हमको थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आता था कि सम ऑफ टर्म्स इक्वल दिस, लेकिन अब आपका क्वेश्चन है कि दिस फंक्शन इज डिविजिबल बाय 11। जैसे एक सिचुएशन ऐसा आपके पास आता है 7 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n डिविजिबल बाय 4, तो यहां पर बोलेगा 7 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4। तो सेम कंडीशन है, इस कंडीशन को हम किसके इक्वल ले लेंगे, pn। pn इज इक्वल टू 7 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n। तो यहां पर आपका अगर ये क्वेश्चन है 7 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n इज ए डिविजिबल बाय 3, क्योंकि यहां पर हम जब n की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, तो n इक्वल 1 लिए तो 7 टू द पावर 3 माइनस 4 टू द पावर 3। तो इस सिचुएशन को भी समझने के लिए हम इस तरह से एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं आपको कि आपका क्वेश्चन यहां पर है 7 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 3। तो पी एन इज इक्वल टू 7 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n। तो पी 1 7 टू द पावर 1 माइनस 4 टू द पावर 1, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो 7 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 3। तो n इक्वल 1 इज ट्रू, n इक्वल 1 इज ट्रू, तो n इक्वल k इज ट्रू। तो n इक्वल k इज ट्रू, देयरफॉर pk इज इक्वल टू 7 टू द पावर k माइनस 4 टू द पावर k। अब इस सिचुएशन को हमको प्रूफ करना होगा n इक्वल k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो n इक्वल k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू के लिए हम सबसे पहले इस सिचुएशन को चेंज करते हैं, यहां पर हम pk प्लस 1 लेते हैं। तो pk प्लस 1 हो गया 7 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 4 टू द पावर k प्लस 1। 7 टू द पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर k इंटू 7, और 4 टू द पावर k प्लस 1 को लिखते हैं माइनस 4 टू द पावर k इंटू 4। हम इस सिचुएशन पे देख रहे हैं, अगर यहां से हम 7 को कॉमन ले रहे हैं, जैसे ही हमने 7 को कॉमन लिया तो ये हो गया 7 टू द पावर k, लेकिन हमारे कंडीशन पे यहां माइनस 4 है, तो यहां हमने लिखा माइनस 4 टू द पावर k। तो हम यहां पर देख रहे हैं प्लस और माइनस माइनस, मतलब हमने यहां पर माइनस किया है 7 इंटू 4 टू द पावर k, तो यहां पर हम ऐड करेंगे 7 इंटू 4 टू द पावर k माइनस 4 टू द पावर k इंटू 4। तो इस सिचुएशन को हम देख रहे हैं 7 टू द पावर k माइनस 4 टू द पावर k इज इक्वल टू पी के प्लस 7 इंटू 4 टू द पावर k माइनस 4 इंटू 4 टू द पावर k 3 इंटू 4 टू द पावर k। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये pk जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, और 4 टू द पावर k का कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब 4 टू द पावर k भी 3 से डिविजिबल है। इस तरह से ये प्रूव होता है n इक्वल k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये क्वेश्चंस इस स्टेप से आता है, कभी कभी क्वेश्चंस आता है मल्टीपल्स ऑफ 4, 3, 2, तो उस सिचुएशन को आपको सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आपको n इक्वल 1 लेते हैं, फिर n इक्वल k लेते हैं, और फिर n इक्वल k प्लस 1 इक्वल प्रूफ करते हैं। तो इस तरह के से मैथमेटिकल्स क्वेश्चंस के आपको अदर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को मैंने बताया है आपको, और जो आपको समझ में आया भी होगा। थैंक यू।